दोस्तों, यदि आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट की सभी सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमें एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करने के लिए गूगल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आप भी एक नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के लिए आपको अपने लैपटॉप में ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र जैसे ही ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करना है, जैसे कि microsoft.com। इसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके भी आप इस वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर राइट टॉप राइट साइड में एक साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आप माइक्रोसॉफ्ट के लॉगिन पेज पर पहुँच जाएंगे। लेकिन आपके पास अभी तो अकाउंट नहीं है, तो आप लॉगिन कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक क्रिएट एन अकाउंट का लिंक मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास ईमेल का होना ज़रूरी है पहले से ही। तो जैसे कि यहाँ पर एक ईमेल है मेरे पास ऑलरेडी, तो इससे मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो मैं इस ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको एक आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा आपके ईमेल को वेरीफाई करने के लिए। तो उस कोड को आपको यहाँ पर डालना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें हमारा कोड मिल चुका है, जैसे 390517। तो इसको कॉपी करके आप यहाँ वापस से पेस्ट कर देंगे। और यदि आपको कोड नहीं मिलता, तो यहाँ पर आपको एक रीसेंड कोड का एक बटन दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो दोबारा आपके पास कोड आ जाएगा। ये पेस्ट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपका रीजन क्या है, तो इंडिया इसने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पर वापस से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो ये आपसे आपका नाम पूछेगा, तो आप अपना नाम दे दीजिए, जो भी आपका नाम है। अपना नाम फिल करने के बाद आपको यहाँ पर वापस नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको कैप्चा को फिल करना है, जैसे कि ये एक AI सिस्टम है जो ये पता करता है कि भाई आप कहीं बॉट तो नहीं है, आप ह्यूमन है या नहीं, तो इसको फिल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर इसको जब तक ये बॉक्स फिल नहीं होता, तब तक इसको आप माउस से प्रेस करके रखें, आपके में कुछ दूसरा दे सकता है। तो ये वेरीफाई हो चुका है। ये देखिए, जैसे कि हमने जो ABC नाम का जो अकाउंट बनाया था, वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो उसके बाद आप यहाँ पर माई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने आपका अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप और भी डिटेल्स को कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर माई प्रोफाइल का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल की जो भी डिटेल्स हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम लग रहा है लोड होने में। यहाँ से आप इमेज लगा सकते हैं, यहाँ से आप कुछ भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, रीजनल फॉर्मेट्स चेंज कर सकते हैं, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ से अपना फ़ोन नंबर आप ऐड कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं तो। अब आइए देखते हैं कि इस जो भी अभी हमने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, इसको हम अपने PC पे कैसे लॉगिन करेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ से मिनिमाइज़ करना है, और यहाँ से फिर सिंपली सर्च पे जाना है, और यहाँ से आपको सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग जैसे ही आप ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पर ऊपर ही दिख जाएगा साइन इन का ऑप्शन। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो ईमेल अभी हमने डाली थी, उसको आप यहाँ पर डालेंगे, उसको आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डाल दीजिए। तो हम यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो इसने दोबारा से यहाँ पर एक कोड भेजा है, तो उस कोड को यहाँ पर डालूँगा। तो सेंड कोड मतलब ये दोबारा से एक कोड भेजेगा, तो उस कोड को यहाँ पर दोबारा से डालना है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर कोड आ गया है। तो इस कोड को जैसे ही मैं यहाँ से कॉपी करके कि यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा वापस से, तो ये साइन इन हो जाएगा। लेकिन अभी मैं नहीं करना चाहता, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। तो इस प्रकार से आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना सकते हैं और उसे अपने PC या फिर कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और हाँ, यदि आप अपने हार्ड डिस्क में पार्टीशन करना चाहते हैं,
कुछ इस प्रकार से अपने बहुत सारे पार्टीशंस बनाना चाहते हैं अपने हार्ड डिस्क में, अपने लैपटॉप में, तो आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।